I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking. चल पड़े हैं हमारे राइड के ऊपर वापस दिल्ली की तरफ। तो ये जाएगा मनाली बाइक वापस करने, ये जाएंगे चंडीगढ़ बाइक वापस करने, वो जाएगा मनाली से छोड़ने, उसके बाद उन्होंने जाना है केरल, तो मैंने जाना है दिल्ली। तो फटाफट से चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी रास्ते में हम पठानकोट पे रुक के सारे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से होती है हमारी जर्नी शुरू अगले 600 किलोमीटर की, 600 या 650 किलोमीटर। अभी तक राइड हमारी 1930-35 किलोमीटर चल चुकी है, 2000 अगले कुछ घंटे में हो जाएगी। और तो और हमारी राइड इस बार पिछली राइड से भी ज़्यादा किलोमीटर करेगी। सो पिछली राइड में हमने चलाया था करीब 2500 किलोमीटर, इस राइड में हमारी होगा 2700-2800 किलोमीटर। सो सब कुछ सेट, चलते हैं। अभी बस एक बार रुक के मैप लगा लेता हूँ ताकि कोई भी हम ट्रिप के लास्ट में हम मिस नहीं करना चाहते, कि कोई रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहते। सो फटाफट से निकलते हैं, अब अभी रुक के एक बार चाय पियेंगे, फिर पठानकोट पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम सीधा दिल्ली पर जाएंगे। ऑल सेट फॉर दिल्ली। सो हमने जो रास्ता चेक करना था कन्फर्म कर लिया, यहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता निकलता है। और ये जो जगह थी हमने उस दिन देखी थी रात को, बट अनफॉर्चुनेटली डे में नहीं देख पाए थे क्योंकि हम सुबह सुबह निकल गए थे कश्मीर की तरफ, वार वन की तरफ। सो अभी हमने ये देख लिया अच्छे से, बढ़िया जगह है और शॉट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे होंगे 100%। ए बस वाले क्या करता है तू। सो हम सब ने सोचा था कि सुबह 7 बजे निकलेंगे, बट 8 बजे निकलते निकलते होता क्या है कि जब आप सोलो कर रहे होते हो ना तो आप जितने मर्जी मेरी प्लान कर लो आप निकल लोगे, लेकिन जब आप ग्रुप में होते हो ना तो ये चीज़ें छोटी छोटी मिस हो जाती हैं। चलता है सब। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. तो अभी हम चारों बैठ के, पांचों बैठ के यहाँ पे हमने थोड़ा सा किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो हमने अभी कुछ खा के फिर चलते हैं आगे, पराठे परोठे खा लिए, तो इसके बाद सब निकलते हैं। अरे कितनी कितनी टाइम लगेगा, जल्दी नहीं निकलना? हाँ अभी निकल रहे हैं, सारे निकल रहे हैं। चलो चलते हैं फटाफट से अब आगे और देखते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, अपना पेट पूजा अच्छे से हो गई थी। सो उसके बाद जर्नी अभी बहुत लंबी है, करीब 550-650 किलोमीटर की जर्नी अभी पड़ी है। सो अभी जो दो हैं वो जिन्होंने मनाली जाना है वो तो मनाली की तरफ निकल लेंगे, बाकी जो है हमारे साथ चंडीगढ़ जाने वाला वो हमारे साथ चंडीगढ़ चलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ से वो बाइक अपनी वापस करेगा जहाँ से रेंटेड ली है, और हम वहाँ से दिल्ली की तरफ निकलेंगे, वो वहाँ से वापस करके वो हरिद्वार की तरफ निकलेंगे। एक्चुअली वो नेपाल से हैं। देखो एक बात आप एग्री करोगे कि होता क्या है कि जब भी कोई रोड ट्रिप पर होती है ना तो जो उसका लास्ट डे होता है ना उसमें समझ नहीं आता कि व्लॉग क्या करूँ, सो इसलिए वो व्लॉग हमेशा थोड़ा छोटा बन जाता है। दिल्ली टू जम्मू के हाईवे की बात करूं तो जो जलंधर के बाद, उसके बाद काफ़ी रास्ते ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी रास्ते ऐसे हैं जो बहुत ख़राब है, जैसे कि ये, बट अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है आने वाले 4 साल में ये बढ़िया से बन जाए। मिट्टी हुआ क्या था कि
पहले जब मैंने ये ट्रिप प्लान करी थी, ये ट्रिप प्लान करने के लिए मेरे घर वालों ने शर्त ये रखी थी कि मैं दिवाली से पहले घर आऊँगा, और मैंने भी प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं दिवाली से पहले घर आऊँगा। सो अगर दोबारा ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो इसलिए प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, और आज के आज दिल्ली पहुँचना पड़ेगा। कल है 23, कुछ जगह दिवाली देने जाना पड़ेगा, और परसों है 24, मतलब कि हैप्पी दिवाली। So, अभी ये चल रहा है अच्छे से, ठंडा ठंडा पी रहे हैं, ठंडा ठंडा कूल गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और अभी वार्मर भी है, पहना हुआ है, ये मसालेदार है तो वार्मर भी पहना हुआ है, अभी आगे जाके वार्मर भी उतारना पड़ेगा, बहुत गर्मी लग रही है अभी, जैकेट वैकेट। सो चलते हैं फटाफट से पी के, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, 500 किलोमीटर के करीब अभी भी बचा हुआ। तो ये हमारे भाई हैं नेपाल से, नेपाली में कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? हेलो सबै जनालाई नमस्ते। उहाँको राइडर जंक्सन भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पुरै पहाडमा हिमालमा चाहिँ बाइकमा राइड गरेको भिडियोहरू देख्न पाउनुहुन्छ। उहाँको च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। सो मुझे लास्टको 3 वर्ड समझ आए, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जो मेरे लिए जरूरी है। चाहिए वही ना, वही चाहिए था, वही चाहिए था, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने तो अभी वार्मर पहना हुआ है, अभी वार्मर भी बाद में उतारूंगा थोड़ी आगे जाके, क्योंकि जब बाइक चलाते हैं ना तो वार्मर की दिक्कत नहीं लगती, लेकिन जब खड़े होते हैं एक जगह तो वार्मर लगता है, बहुत सही है, मतलब तब लगता है दिक्कत है। सो मैं निकल पड़ा हूँ, बाकी अभी पीछे पीछे आ रहे हैं, धीरे 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 चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। Cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Abhi maine एक पेट्रोल पंप पे रुक के वार्मर चेंज कर लिया, नाउ आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, बहुत आराम मिल रहा है वार्मर पहन के, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सुबह ठंड थी जम्मू से जब निकले, तो फिर उसमें आलस करते गए कि चल कोई नहीं चल रही है, चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे ही चला लेते ऐसे ही चला लेते ऐसे ही चला लेते, वो चलाते 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 करीब 200-250 किलोमीटर चला ली। अब महसूस हुआ कि यार दिस इज़ दी एंड, अब चेंज करना ही पड़ेगा। सो फटाफट से मैंने ना कोई पेट्रोल पम्प रुक के मैंने पहले जाके वार्मर चेंज किया, और वार्मर चेंज किया गया, उतार दिया, रिलैक्स हो गए। सो अम्बाला पहुँच चुके हैं, यहाँ से अपना घर है सिर्फ 200 किलोमीटर, 210-220 किलोमीटर ऐसा ही कुछ। सो अभी यहाँ पे कहीं पे रुक के कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, करीब मैंने 150 किलोमीटर बिना नॉन स्टॉप चला दी है, 150 किलोमीटर भी चला दी है, तो लास्ट मैंने एक जगह पे रुक के बनाना शेक पी लिया था, वहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ था, मैंने कहा चलो लग गया तो यहाँ पे बनाना शेक ही पी लेते हैं, सो वहाँ पे बनाना शेक पी लिया, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, तो 2 घंटे हो गए उस बात को। सो 150 किलोमीटर उसके बाद चला दी है। सो अभी देखते हैं कहीं पर रुक के कुछ। तो करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद यहाँ पे आके मैंने कुछ खाया है, छोटा सा पराठा खा लिया, ज़्यादा हैवी नहीं किया है क्योंकि घर जाके खाऊंगा। सो अभी गोल्डन स्टार पराठा अच्छा था, लेकिन बाकी सर्विस ठीक ठीक थी, कोई कुछ खास नहीं, ठीक थी। सो चलते हैं, अब अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब क्योंकि मेरा टारगेट है कि 10 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँ, अभी यहाँ से कुछ होगा 175-170 किलोमीटर इतने के करीब है, तो फटाफट से चलते हैं, टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे। सो लेट्स गो, बाय बाय गोल्डन स्टार, चलो। सो 175 किलोमीटर की जर्नी रहती है, बस तो नहीं होता ये 175 तो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो 175 किलोमीटर की जर्नी रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो टैलेंटेड है, हम तो कर लेंगे। आज मैं एक चीज़ ट्राई करने वाला हूँ कि टाइम रैप का भी एक शॉट लूँगा, टाइम रैप और टाइम लैप्स को जोड़ के कैसा बनता है, लेट मी ट्राई, अगर अच्छा हुआ तो वीडियो में डालूँगा, अगर नहीं समझ आया तो फिर उसको हटा दूँगा।
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. पेट्रोल फुल करवा लिया है मैंने दोबारा से. करीब दिल्ली बची है. अरे दिल्ली कितनी है? 330? 130? 100 दिल्ली है यहाँ से 130 किलोमीटर. मेरे को इसलिए नहीं पता था क्योंकि मैंने मैप नहीं लगाया हुआ. ये तो सीधा सीधा रास्ता है, इसमें क्या मैप लगाऊँ. सो जो टेस्ट किया था, आई होप आपको पसंद आया होगा. तो मेरे माइंड में ऐसी आइडिया आ रहा था, लेकिन जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता था वो अभी नहीं हुआ है. वो भी करूँगा किसी ना किसी वीडियो में एग्जीक्यूट, या अलग से एक वीडियो बनाऊँगा उसकी. देखते हैं, लेट्स सी. ये इस गोल चक्कर का मतलब है कि हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं. पीछे तक तो पता ही नहीं लगता क्योंकि ऐसे लगता है सीधी सीधी सड़क है, अभी भी बाईपास वो हाईवे रोड चली जा रहे. सो इस रोड का मतलब है, ये जो गोल चक्कर है ना इतना बड़ा, इसका मतलब है हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं. सो यहाँ से, जहाँ से हमारी दिल्ली में से ट्रिप शुरू हुई थी, वहीं पर आके ये ट्रिप ख़त्म हुई है. सो आई होप आपको पसंद आई होगी ट्रिप. बेसिकली ये ट्रिप मैंने इसीलिए प्लान करी थी, मैं देखना चाहता था कि जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती है JNK के बारे में, क्या वो सही है या गलत है. सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ें न्यूज़ में या हमें सुनने को मिलती हैं वो चीज़ें सही नहीं हैं. वहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, सारी चीज़ें सब कुछ सही हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो वहाँ पे मतलब ख़राब है. या इवन मैंने ये भी देखा है कि आर्मी वाले और जो लोकल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं. सो एक दो जगह पे मैंने ये, जब मैं केरन गया था तो मैंने ये भी नोटिस किया था कि आर्मी वाले और दूसरे सारे खेल रहे थे मैच, मतलब क्रिकेट खेल रहे थे. सो ये सब होता रहता है, न्यूज़ के ध्यान मत दो इन चीज़ों पर. सो मिलते हैं अगली किसी ट्रिप पे, या जब लोकल यहाँ पे कुछ व्लॉग शुरू करेंगे जब ये एपिसोड ख़त्म होंगे. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय 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 बाय. एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना याद से. चलो बाय.